मुख्यमंत्री अपनी जब तक कुर्सी फाइनल नहीं करते हैं कहीं ना कहीं की, तो इधर से उधर तो जाते नहीं हैं। कि जो जिनको बिहार की जनता, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुनना पसंद करती, तो उनको देश का प्रधानमंत्री तो भैया कोई नहीं बनाने वाला। तो इतने बड़े बड़े विधायकों के साथ वाले अपने दावेदारी नहीं करेंगे, और ये 40 विधायक वाले देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के पतन की शुरुआत है। भाई सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और एक तस्वीर सोनिया जी के साथ उनकी साझा नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके स्टार शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं, और पटना पहुंचते ही उन्होंने जगदानंद सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर भी अपना बयान दिया है और कह दिया है कि अगर जिस दिन बिहार में राजद का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, उस दिन जेडीयू का नामो निशान बिहार में ख़त्म हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। भाई ये बयान तो लालू जी भी बोले हैं, तो मतलब कोई ऐसी सेटिंग हुई होगी ना। भाई मुख्यमंत्री अपनी जब तक कुर्सी फाइनल नहीं करते हैं कहीं ना कहीं की, तो इधर से उधर तो जाते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री से कोई ना कोई तो बातचीत ऐसी हुई होगी। अब ये तो भाई सोचना जदयू के नेताओं को है ना, कि जब उनके मुख्यमंत्री केंद्र की राजनीति की ओर जब वो रुख करेंगे 23 में, तो उस वक्त उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा। क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है कि जो जिनको बिहार की जनता, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुनना पसंद करती, तो उनको देश का प्रधानमंत्री तो भैया कोई नहीं बनाने वाला। और इस बात को ये गणित समझना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए कि भैया एक तरफ बगल में बंगाल हैं जिनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 200 प्लस विधायकों के साथ हैं, केजरीवाल जी को ले लीजिए, दिल्ली पंजाब मिला देंगे तो 150 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं, 125 विधायक के साथ अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, तो एक से एक। और कांग्रेस की अगर आप बात कीजिएगा तो भैया 600-700 विधायक। तो इतने बड़े बड़े विधायकों के साथ वाले अपने दावेदारी नहीं करेंगे, और ये 40 विधायक वाले देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। और जिस गठबंधन में भैया ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें इनको दी जाएंगी लड़ने के लिए बताइए। जब ये एक तरफ दम भरते हैं कि भैया 7-7 दलों के साथ हम हैं, तो भैया 7 दल में 40 सीटें भी तो बटेंगी। पिछली बार तो भाजपा के सिटिंग 5 विधायक कटवा के ये अपने 17 ले लिए थे सीटें, पर इस बार कितनी सीटों पे इनको लड़े मिलेगा चुनाव लड़ने को, 12-13 सीटें, कितनी सीटें उसमें से जीत जाएंगे, 7-8 सीटें। 8 सीटों वाला, 8 सांसदों वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसा होता नहीं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी जो केंद्र की राजनीति की जो सेटिंग करके, जो डील सेट करके, जिसकी वजह से राजद के तमाम भाई, राजद के नेता, वरिष्ठ नेता सब ये सब बोल रहे हैं, तो कोई तो बातचीत हुई होगी ना। तो ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के पतन की शुरुआत है। जिस दिन राजद के मुख्यमंत्री बिहार में आ जाएंगे, सोचिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला कोई नहीं। एक तरफ इन्वेस्टर में एसपी, सीनियर एसपी, डीएम को आदेश देने की बात करते नजर आ रहे हैं, और कई जो उद्योगपति बिहार आए उनका कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। भाई बिहार अब संभल नहीं रहा है मुख्यमंत्री जी से। जितनी जल्दी, मैं तो राजद के तमाम नेताओं की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि भैया भेजें इनको केंद्र की राजनीति में जाके अपनी अर्जी लेके घूमे, जहाँ भी जाना है। भैया गए थे सोनिया जी के यहाँ अर्जी लेकर, अब वो अर्जी भाई खारिज हुई कि मंजूर हुई कि नहीं, स्वीकृत भी हुई कि नहीं हुई, किसी को नहीं पता, कोई तस्वीर तो देखा नहीं आज तक। भाई सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और एक तस्वीर सोनिया जी के साथ उनकी साझा नहीं हुई, तो आप देख लीजिए भैया गठबंधन में आपस में ही कितनी तरजीह ये लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भैया अर्जी ले लेकर घूमे इनको जिस जिस दरवाजे जाना है, क्योंकि बिहार अब इनसे संभलता नहीं। जहां उद्यमी इस बात की आशंका जाहिर करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, वहीं बिहारी तो रोज मर ही रहे हैं भैया, और गृह मंत्री खुद हैं ये प्रदेश। बिहार इनसे संभल नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फिर कौन होंगे, तेजस्वी को बनाना चाह रहे हैं क्या आप? भाई मुख्यमंत्री जो बने हमको नहीं पता, भाई गठबंधन में तो आज इनकी सरकार है ना, इन लोगों को तय करना है। जनता को तय करने का समय आएगा, जनता ने तो इस बार भी इनको मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं चुना था भैया। अगली बार जब मौका आएगा उस वक्त जनता तय करेगी, जब मध्यवर्ती चुनाव जब सामने आएंगे
तब जनता तय करेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज जगदानंद सिंह के बयान पर अपना बयान दिया और कह दिया है कि अगर जिस दिन राजद का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बन गया, उस दिन से जेडीयू की उल्टी गिनती बिहार में शुरू। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे महागठबंधन पर हमला बोला है, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।